नमस्कार दोस्तों, देखिए एक किसी का कमेंट आया था, स्पर्श नाम है, नाम तो अच्छा है। उनका कमेंट था यहाँ पे 65 यानी संतुष्टि को लेकर। तो ये 65 इसमें जो यानी सर्टिफिकेशन जो होता है संतुष्टि, देखिए एक ऐसा शब्द है कि इसकी एक चाहत होती है कि आप चाह क्या रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। और आप किसी म्यूजिक को मान लीजिए आप एक पीक लेवल तक हर चीज़ को मैनेज कर ले गए, लेकिन आपकी जो मतलब चाह होती है वो कहाँ तक है, मतलब वहीं तक सीमित है कि या और कुछ उसके बाद फिर बढ़ जाता है, मिलने के बाद फिर बढ़ जाता है। आप सुनना चाहते हैं कि फीलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो डिपेंडिंग है आजकल जितने भी म्यूजिक सिस्टम है टोटल आर्टिफिशियल है। यानी पहले जो हमारे तबले होते थे, ढोलक होते थे, अब आजकल क्या है, एक सब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक ड्रम है। यानी इलेक्ट्रॉनिक मेथड से आर्टिफिशियल से सारे फ्रिक्वेंसियों को निकाल लिया जाता है, टोटल म्यूजिक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक बेस पे है आर्टिफिशियल। तो इनकी क्या है कि एक फ्रिक्वेंसी लेवल फिक्स है। पहले क्या होता था कि हमको एक एनालॉग बेस पे सारे डिजाइन होते थे, उनकी फ्रिक्वेंसी को इकट्ठा करके हर जगह पे अलग अलग सिस्टम लगाए जाते थे इकट्ठा करने के लिए सारी फ्रिक्वेंसी को, तो अब जाके एक संगीत तय मतलब वो रेडी होता था। अब आपको ये समझना है कि आपको जो भी फ्रिक्वेंसी सुननी है तो वहाँ पे डिपेंडिंग होता है कि वहाँ पे सॉन्ग, म्यूजिक, सिंगर और जो सिस्टम जिसे चला रहे हैं और हमारा जो साउंड और उसके बाद इन्वायरमेंट और सब कुछ होने के बाद एक आपका माइंडसेट भी होना चाहिए कि माइंड किस कंडीशन में है और किस जगह पे आपको सुनना है और क्या फीलिंग करना है। तो ये सारी चीज़ों को जो है मैनेज करना पड़ता है, तब वो चीज़ आपको मिल पाती है। और रही बात इसकी डिजाइनिंग को लेकर, ये डिजाइन को पहले समझे, यहाँ पे बेस ट्रेबल एक जो है दो मीडियम फ्रिक्वेंसी है जिसके अंदर जो है सारे चीज़ें मतलब जो म्यूजिक के होती है वो लगभग आ जाती है। पूरी आपको क्लियरिटी नहीं मिलेगी अलग अलग जितने भी म्यूजिक हैं, लेकिन उसमें जो है लो लेवल की और हाई लेवल की जो फ्रिक्वेंसी है वो आपका दोनों ये मैनेज हो जाता है। इसके बाद आता है मिड फ्रिक्वेंसी भी, यानी तीन कंट्रोल यूज किए जाते हैं। अब इसी पे आप सारे कंट्रोल लगाकर आप एक एक फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करके मैनेज किया जा सकता है। यानी अगर आपको इसके बेस भी बहुत अधिक बढ़ाने हैं तो जैसे आर्टिफिशियल ड्रम होते हैं ऐसे आप आर्टिफिशियल बेस पे, क्योंकि इस समय जो भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम करते हैं वही सेम आप इसको समझें कि कोई भी अगर फ्रिक्वेंसी यहाँ पे है, यानी ये जो फ्रिक्वेंसी आउट हो रही है पिन नंबर 7 से, इसी में इंक्लूड है हमारे वॉइस, ओकल गले की आवाज़, हमारे जो ये घुंघरू के हुए या हमारे जो पायल की खनखनाहट हुई या ड्रम हुए, ढोलक हुए, तबले हुए, सितार हुआ, गिटार हुआ, ये सब कुछ एक ही लाइन पे एक ही उसमें जो है कैरियर पे ये यहाँ से रन कर रहे हैं। अब इसमें एक फिल्टर की तरह आपको एक एक फ्रिक्वेंसी को अलग करके और अलग करके एक एक फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करके आप इकट्ठा मिक्सिंग करके सुन सकते हैं सबके इफ़ेक्ट को, उसे अलग अलग भी आप सुन सकते हैं, अलग अलग साउंड से भी सुन सकते हैं एक एक म्यूजिक को, इतना तक हो सकता है। अब यहाँ पे आप इसलिए देखिए सराउंड साउंड लगाया जाता है कि सबके इफ़ेक्ट सुनाई देते हैं, वो भी एक आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि वो इफ़ेक्ट जो होता है हमारे द्वारा क्रिएट किया गया होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा क्रिएट किया जाता है, क्योंकि वैसा आवाज़ होता नहीं। जैसे ईको आप जो बोल रहे हैं ईको नहीं है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ईको कर सकते हैं, ऐसे इसके बेस है, बेस इसमें अधिक नहीं है, एक फिक्स है, लेकिन हम इसको एम्पलीफाई करके इसके ड्रम को यानी धमक को लो लेवल फ्रिक्वेंसी को बहुत ही अधिक पीक तक ले जा सकते हैं, इतना तक ले जा सकते हैं कि वो पूरा हार्ट पे देखते हैं डीजे का जिस हिसाब से ड्रम गिरता है, तो उसमें बहुत सारे चीज़ों को मैटर करना मतलब मैटर है कि हमारे साउंड हुए, उसकी पावर कैपेसिटी हुई, वाटेज की डिजाइनिंग हुई
और वो जो हमको सुनना है उसके सिस्टम हुए, तो ये सब चीज़ों को देखकर म्यूजिक में जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे अलग करने का जो यहाँ पे मैटर है उसे सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब वो मैटर क्या है कि इसमें देखिए जो भी फ्रिक्वेंसी है आप इसके वाइब्रेशन को एक आर्टिफिशियल बढ़ा भी सकते हैं, यानी छोटे से साउंड में बहुत बड़ी एक वाइब्रेशन की गूंज आप सुन सकते हैं, धमक एक छोटे से कमरे में जैसे डीजे हमारा सुनाई देता है। वो कैसे होगा, वो एक डिजाइनिंग का खेल है, यानी हमारे जो डिजाइन होते हैं इसकी सर्किट की उस पर डिपेंड करता है। अब वो डिजाइन कैसे बनता है इसको समझने की ज़रूरत है। हम जैसा चाहें वैसा फ्रिक्वेंसी बाईपास कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। एक मैटर और समझिए कि जैसे आप कोई फिल्टर का मतलब क्या हुआ, इसमें सारी फ्रिक्वेंसी इंक्लूड है। फिल्टर का मतलब हुआ कि जैसे आप कोई चाय को छानते हैं छन्नी से, तो उसमें देखिए जो हमारा चाय का वो होता पानी वाला वो चीज़ें मतलब निकल जाती है, बाकी जो है उसमें छन्नी में रुक जाता है। तो ऐसे सेम यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे हम फिल्टर जो भी लगाते हैं तो वो फिल्टर के अकॉर्डिंग फ्रिक्वेंसी बाईपास हो जाती है, बाकी रुक जाती है, यानी अदर फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे नहीं आने देगी। यानी जब हम यहाँ पे पीएफ लगा दिए 4K7, तो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी नहीं है, फ्रिक्वेंसी सभी फ्रिक्वेंसियाँ हैं, लेकिन अब रास्ता उतना ही दिया गया है कि जितना इसकी वैल्यू है, जितना इसका रास्ता है उतनी ही फ्रिक्वेंसी यहाँ पे निकलेगी, और जितना ये फ्रिक्वेंसी निकलेगी उतनी ही इसकी एम्पलीफाई की जाएगी। यानी इसको जो यहाँ से फिल्टर करके निकाला गया, फिर ये जो इसकी वीकनेस है इसको और भी कम मतलब जो कमजोरी है इसकी यहाँ पे जो है एम्पलीफिकेशन करके इसे बढ़ा दिया जाएगा, यानी ये सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा यहाँ फिर आके। यानी यहाँ फिल्टर किया गया, यहाँ एम्पलीफाई किया गया, एम्पलीफाई करने के बाद जो है फिर आगे हमारा साउंड आउटपुट में जाता है। यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी का जो मैटर होता है इसे आप ऐसे समझें जैसे आप किसी लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं और आप गाड़ी में कोई साउंड सिस्टम ऑडियो सिस्टम होता है उसे सुनते हैं, तो देखिए कोई कोई सॉन्ग ऐसे चलते हैं कि आपको आनंद आ जाता है, और कोई कोई ऐसे चलते हैं कि ये होता है कि बंद करिए डिस्टरबेंस हो रहा है। अब यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, देखिए इसको ज़रा सा समझने की कोशिश करें, उसके बाद हम आगे बताते हैं कैसे डिजाइन किया जाता है। इसमें आप कोई लैंग्वेज का वो मत सोचिए कि इसमें जो लोग यूज करते हैं इंग्लिश में कि पीक, ये सब मत सोचिए कि हमको ये मालूम नहीं, ये सबसे डर जाइए कि एम्पलीफिकेशन क्या है, एम्पलीफाई क्या है, लैंग्वेज क्या है, पीक क्या है, लेवल क्या है, आप कुछ भी ना जाने ऐसे नॉर्मल भाषा में समझें इसे। क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में सीखा था, मैं भी कोई आप सुनेंगे तो आपको हंसी लगेगा, मैं फीलिंग बताऊंगा, मैं इसको नहीं जानता था, मैं अंदर ही अंदर फील करता था, अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं कैसे कैसे जवाब देता आप जानते नहीं, वो सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, जिस पे आप फोकस करेंगे वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। देखिए यहाँ से इस रेजिस्टेंस को हटा देते हैं 10K, ठीक है, अब इसको डायरेक्ट कर देते हैं ऐसे। अब ये 10K रेजिस्टेंस यहाँ पे हम डालते हैं, ये 10K रेजिस्टेंस हो गया। अब इस पीएफ को भी हटा देते हैं 4K7, इस पीएफ को यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक, इसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं, इसकी वैल्यू 4K7 हो गया 4700। अब आप यहाँ पे समझें, इसको जगह बनाना था ना, इसलिए इसको अब ये हमारा बेस हो गया और ये हो गया ट्रेबल। अब पहले इसको मैं ट्रेबल लिख देता था, उसका मतलब होता था यात्रा, लेकिन हम इस पे ध्यान नहीं देते थे, हम बस मेन हमारा जो है काम क्या है उस पे ध्यान देते हैं। देखिए
अब क्या है कि हर चीज़ को आप एक DSO पे सारी फ्रिक्वेंसियों को देख सकते हैं और सुन सकते हैं और उसी के अनुसार काम कर सकते हैं। पहले हमारे पास ये सब सारी व्यवस्था नहीं थी। अब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको एक एक स्टेप को दिखाएंगे कैसे एम्पलीफाई किया जाता है और एम्पलीफाई क्या होता है। अब ये लो फ्रिक्वेंसी जो यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस लगाया था, अब यहाँ पे लगा दिया। अब ये जो भी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे आ रही है, हम इसको भी हटा देते हैं। अब इसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं ऐसे, ठीक। अब यहाँ से जो भी आउट हो रहा है, अब ये आउट होने वाली फ्रिक्वेंसी इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। अब इधर जो फ्रिक्वेंसी जाएगी रेजिस्टेंस के द्वारा, यहाँ पे इसे रोक लिया जाएगा और लो लेवल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बाईपास हो जाएगी। इधर एक फिल्टर लगा दिया गया, ये 4K7। अब इधर भी सारी फ्रीक्वेंसी रोक के उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी को बाईपास कर लिया जा रहा है। तो यानी यहाँ से हमने जो है कुछ फ्रीक्वेंसी को छांट लिए, यानी उसमें से जो है मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी की छटनी की यहाँ से। अब ये क्लियर करने के बाद, यानी उसमें से निकालने के बाद, ये यहाँ पे आया और यहाँ से भी इस फ्रीक्वेंसी जो निकाले हैं फ्रीक्वेंसी को, यहाँ भी जो है हम इसे कम या अधिक करके यहाँ पे बढ़ाएंगे आगे। अब ये जो आगे बढ़ रही फ्रीक्वेंसी, ये दोनों रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के द्वारा निकला हुआ है। अब इसे यहाँ पे और एम्पलीफाई करेंगे, यहाँ पे ये इन्वर्टिंग पिन पे, ठीक। इन्वर्टिंग पिन का मतलब होता है कि इन्वर्टिंग मतलब यहाँ पे जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी वो उसे बदला जा सकता है, नॉन इन्वर्टिंग पे फ्रीक्वेंसी को बदला नहीं जा सकता। अब वो मैटर अलग है नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग का, क्योंकि वहाँ भी और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। पहले एम्पलीफाई समझें, ये अगर IC ना हो एक ट्रांजिस्टर से भी एम्पलीफाई किया जा सकता है, लेकिन इस समय IC बेस अच्छा है। देखिए यहाँ पे इन हुई, अभी एम्पलीफाई होके यहाँ 7 से आउट हो रहा है। फिर कौन सा, ये दोनों फ्रिक्वेंसी। अब ये फिल्टर की हुई फ्रिक्वेंसी हाई, आप यहाँ पे अगर 4K7 के जगह पे 1K लगाते हैं, 1K2 लगाते हैं, 1K5 लगाते हैं, 2K2 लगाते हैं, 3K3 लगाते हैं, तो ये जितने PF हैं ये सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग आपको मिलेगी। DSO पे देखेंगे तो ये जो है इनकी अलग होगी, इनकी अलग होगी, ये सबसे हाई लेवल। अब देखिए फ्रिक्वेंसी का आकार कैसे चेंज होगा, ये 4K7 जैसे ये लो फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ये हुआ लो, यहाँ से जो आ रहा फ्रीक्वेंसी ये लो हो गया। अब यहाँ पे ये हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ से पास होगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, ये हुआ, ये लो फ्रीक्वेंसी है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, वेवलेंथ कम हो जाते हैं और पिक यानी ये जो है हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अब इसमें क्या है कि अगर आप यहाँ पे 1K PF या 1K5 डालते हैं तो ये आकार क्या होगा, ये ऐसे ये एम्पलीफाई और बढ़ जाएगी एक नोक की तरह, ये। अब ये ग्राफ जो है ये हमारी हाई फ्रिक्वेंसी ये चुभती है यहाँ पे माइंड पे, क्योंकि इसके जो है डिस्टॉर्शन होता है। आप देखते हैं जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होती है वो अनावश्यक फ्रिक्वेंसियाँ हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो ये क्या होता है कि इसी लेवल को, इसी फ्रिक्वेंसी को हमको मैनेज करना है, लेकिन दूर तक जाने के लिए हमको एक, ये ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, यानी ये लो फ्रिक्वेंसी इसकी वेवलेंथ हाई होती है, इसलिए देखिए ड्रम दूर तक आपको इफेक्ट सुनाई देते हैं, धमक। फिल्टर ये जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होती है इनकी वेवलेंथ कम हो जाती है, यानी ये सिकुड़ जाते हैं, और ये क्या है लो फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ दूर तक तैरती है, यानी उसकी वेवलेंथ हाई होती है।
तो ये हाई फ्रिक्वेंसी थोड़े दूर में ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन नज़दीक बहुत ही तीखा इनके वो होते हैं फ्रिक्वेंसी। अब इसी को जो है हमको यहाँ पे सैंपल करना पड़ता है। जैसे ये नोक है ऊपर, ये पीक पीक टाइम इसकी एम्पलीट्यूड की। अब क्या होगा कि इसको हमको एक जैसे गोल होता है उस हिसाब से यहाँ पे पीएफ की डिज़ाइन करनी होगी। वो पीएफ उतनी ही वैल्यू का रखा जाएगा कि जो इस आकार को यहाँ पे नोक ना बना के ये यूं, यानी ऐसा नहीं कि ये हाई फ्रिक्वेंसी नहीं, हाई फ्रिक्वेंसी है, ये जैसे लो है ऐसे ये हाई है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये आपको उसमें महसूस होगा उसके फिल्टर जो खनखनाहट होंगे सुनाई देंगे उसके हाई पिच, जैसे सा बोलते हैं तो एक सा होता है कि जैसे आपके जो बोलने का है वो जैसे सा बोले तो सा एक हाई फ्रिक्वेंसी जो उसके साथ ये निकलता है, तो ये इसके इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे हाई फ्रिक्वेंसी में मिलते हैं। तो अगर इसको बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया जाए तो हमारे जो बोलने का जो सा है वो फंसने लगेगा, इसीलिए उसके बैलेंस को इतना बना के रखा जाता है कि सारे इफ़ेक्ट को बहुत आसानी से सुना जा सके। और आजकल तो म्यूजिक सिस्टम ऐसे डिजिटल हैं कि आप अगर पहले वाले सिस्टम को यूज करें तो काफ़ी अच्छा आपको सुनाई देगा, अगर अच्छे सिस्टम से इसको डिजाइन करें, क्योंकि इसमें डिजाइन करने में आपको फिल्टर भी अगर फिलिप्स के लगा सकते हैं, बहुत सारे पुराने पीसीबी में फिल्टर इसके जो फिलिप्स के आपको मिलेंगे जो पहले के थे, वो इस समय तो SMD लेवल है, लेकिन आप इसकी डिजाइन करने के लिए इसके रेजिस्टेंस और PF फिलिप्स के बहुत सारे सिस्टम में लगे आपको मिल जाएंगे, उसे निकाल कर आप उसे यूज कर सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते क्योंकि वो सिरामिक के बने होते हैं। और कई फिल्टर हैं जिसके पेपर कैपेसिटर अलग होते हैं, सिरामिक अलग होते हैं, और जितने भी ये डिज़ाइन किए गए कैपेसिटर हैं इनकी फ्रिक्वेंसियाँ अलग अलग होती हैं, अलग अलग चीज़ों को यूज करने के लिए होती हैं। अब ये यहाँ पे क्या कहने जा रहे थे कि अगर आपको इसके इफ़ेक्ट सुनने हैं तो ये जो 848 या 842 आप सर्च करेंगे फिलिप्स के, बहुत सारे पुराने बेचे जा रहे हैं 6000 7000 8000 में, वो सुनाकर भी दिखाते हैं आपको, वहाँ पे सुन के इसके सिस्टम को समझ सकते हैं। मैं सुना हूँ इनके मतलब इस म्यूजिक को, इस सिस्टम को, यानी मैं इससे जानता हूँ ये, और सोनी का भी जो है उसको भी मैं सुना हूँ, उसके भी इफ़ेक्ट को जानता हूँ, लेकिन वो कब हो पाएगा कि जब आप सेम उसकी डिज़ाइन करें और उसी हिसाब से उसे मैनेज करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे आपको और बताते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी के बारे में, कैसे डिज़ाइन करें, कैसे किसी बेस को एक हाई लेवल तक बढ़ा सकते हैं, कैसे किसी इसके हाई फ्रिक्वेंसी को, मिड फ्रिक्वेंसी को, अलग अलग जितने हमारी फ्रिक्वेंसियाँ हैं उनको अलग अलग ट्रैक से एम्पलीफाई करके अपने अनुसार कम या अधिक करके सुन सकते हैं, जैसा चाहे वैसा, जैसा आपको अच्छा लगे।